हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अगेन। जो उन लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अनस अली है और मैं ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट हूँ और मैं पाकिस्तान में सिखाता हूँ लोगों को। अगर आप भी मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर लें या फिर व्हाट्सएप बटन पर कॉन्टैक्ट कर लें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अब हर बिज़नेस के प्रोज होते हैं, हर बिज़नेस के कॉन्स भी होते हैं, ठीक है। मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं आपको नेगेटिव भी बताऊँगा, पॉजिटिव भी बताऊँगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं आपको यार एक बिज़नेस मतलब शायद अनवर कहता है यार इसको उठाओ, इसको बेच दो, ये कमा लो, वो कमा लो, वो नेगेटिव्स बताता ही नहीं है। लोगों को पागल बनाया हुआ यार कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड में इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि वो मतलब टू गुड बताता है। लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते यार कि इतना नेगेटिव कोई चीज़ भी है, प्रॉब्लम भी है। लोग कहते हैं यार इट्स वेरी ईजी, तो वो पढ़ जाते हैं बिन नहीं कर पाते। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप दरवाज़ा खोलते हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, सामने किलर है, किलर खड़ा हुआ चाकू लेके, आप तो डर जाएंगे। अगर आपको पता हो यार कि दरवाज़ा खोलूंगा इसके पीछे किलर है, तो किलर से बच सकते हैं आप। सही बात है कि नहीं? इस तरह आपको मैं पॉजिटिव से बता रहा हूँ, नेगेटिव बता रहा हूँ कि आप मतलब आपको बाद में ये ना हो यार मुझे बताया नहीं, अनस भाई ने बताया नहीं। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को सब कुछ मतलब ट्रांसपेरेंट लेके चलता हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाता। मेरी खसूसियत ये है मेरे कोर्स की कि मैं सब कुछ क्लियर ए टू जी सारा कुछ सिखाता हूँ जो मुझे पता है अपनी नॉलेज से। कोशिश करता हूँ और ज़्यादा बताऊँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना फेस हो, क्योंकि आई एम बिल्डिंग अ फैमिली, आई एम नॉट बिल्डिंग अ बिजनेस। आई एम 22, मैंने अलहमदिल्ला कमा लिया, मैंने और कितना कमाना है, मैंने गवर्नमेंट में तो नहीं पैसा लेके जाना। आई एम लिविंग अ लाइफ स्टाइल विच आई ड्रीम्ड ऑफ, आई एम ग्रोइंग अलहमदिल्ला आहिस्ता आहिस्ता। तो बेसिकली लोकल शॉपिफाई का जो मेन प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे सामने पार्सल पड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे जो मेन इशू है ना लोकल शॉपिफाई का, वो है कोरियर कंपनीज। पाकिस्तान में कोरियर कंपनीज बड़ी तंग करती हैं, बस एक ही है नुकसान है, प्रॉफिट फिर भी लोकल शॉपिफाई में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट, पर फिर भी लोकल तंग करती हैं, ठीक है। थोड़ा सा तंग होना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा थोड़ी सी मगजमारी, थोड़ी सी टेंशन लेनी पड़ेगी, पर प्रॉफिट आ रहा है आपको। जब पैसे आ रहे हैं वो 3-4 लाख आ रहा है, 5-6 लाख, 10 लाख, 12 लाख आ रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, सेल्स की नहीं। अगर आ रहा है जो मेरे स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं, थोड़ी सी किचकिच सेल है, ठीक है, थोड़ी सी सेल है मेरे कहने पर आपको पता होना चाहिए ताकि आपको फेस करना आना चाहिए। अब ये हुआ क्या मेरे साथ, अब ये मेरा एक प्रोडक्ट गया है, मैं पहले इनको चांस दूंगा कि सुधर जाएं। ये जो देख रही हैं जितनी भी पाकिस्तानी कंपनीज हैं, 6-5-6 जो बड़ी बड़ी हैं कोरियर कंपनीज़, पता ही है सबको, जो व्यूअर्स को भी, सुधर जाओ यार। अगर आप लोग हेड्स देख रहे हो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के, मैं नाम नहीं लूँगा, सुधर जाओ, एम्प्लॉयज़ हायर कर लो। लाहौर में एक बंदा आप रखते हो, एक बंदा 100 क्लाइंट्स हैंडल कर रहा है, आप लोग अपनी जेबें बढ़ी जा रहे हो। थोड़े से क्लाइंट रख लो, ठीक है, थोड़े से बंदे रख लो, थोड़े से एम्प्लॉयज़ हायरिंग कर लो, ताकि हमारा कस्टमर सपोर्ट, हमारे हम सेलर्स का कस्टमर सपोर्ट इंप्रूव हो। मैं पॉइंट नहीं कर रहा, इन सब में कोई है जो बहुत फारिग है, कोई है बहुत अच्छा है, अच्छा तो कोई भी नहीं, लिटरली सारे मतलब सारे तंग करते हैं, कोई भी अच्छे हैं जिनका कस्टमर सपोर्ट बेहतर है, वो सारे मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊँगा। आप मुझे मैसेज कर देगा, आपको मैं गाइड कर दूँगा कौन सा बेहतर है। अभी हम अगर ये नहीं सुधरते तो हम अपनी कोरियर कंपनी लॉन्च कर देंगे, इनके इनके ऊपर नहीं रहना। इनको एक चांस हम दे रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, आप इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, आपको एक फ़ायदा है कि फैलेगी तो ये कोरियर कंपनीज को ज़रा आए कि यार कोई आवाज़ उठा रहा है। आज तक पूरे पाकिस्तान में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई इनके ख़िलाफ़, कोई उठाता ही नहीं है, उठानी पड़ेगी यार, नहीं तो ये नहीं सुधरेंगे, ये तो हमें मतलब हमारी खाल उतारते रहेंगे। इसका सलूशन क्या है, इनको चाहिए कि यार पाकिस्तान में एम्प्लॉयज़ हायर करें, ठीक है, ये लोग अपनी जेबें बढ़ें, सैलरियाँ देनी पड़े, अपनी जेबों में डाले जा रहे हैं। अच्छा, इशू क्या हुआ है मेरे साथ, ठीक है। ये प्रोडक्ट हम सेल कर रहे थे, ये मेरा एक विनिंग प्रोडक्ट था, बहुत बेचा, ठीक है। अगर आप बेचना चाहें तो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उठा ले मेरे से, 30-40 लाख रुपया इससे कमा लिया अलहमदिल्ला। तो मिनी ज्वेलरी बॉक्स है ये। अच्छा, इशू क्या है, अब ये मेरा एक पार्सल गया है, ठीक है, पार्सल में मिनी ज्वेलरी बॉक्स था। अब क्लाइंट ने क्या किया, अब पता नहीं राइडर ने किया या क्लाइंट ने किया, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोरियर कंपनी की है, क्योंकि हमारी पॉलिसी है इस पर लिखा हुआ है अलाउ टू ओपन नहीं करते। अलाउ टू ओपन का मतलब होता है जो क्लाइंट है वो पैसे देगा फिर लेगा। अब उसने क्या किया, हमने भेजा इसका ज्वेलरी बॉक्स, अंदर से क्या मुझे वापस आया, तो रिटर्न आया, ये नाना नानी की अनक नहीं होती, ये वापस आया मुझे, क्या सीन है, मैं आपको बता दूँ। अब दो चीज़ें हुई होंगी, यहाँ तो जो टेप भी लगी हुई है, देख रहे हैं, मैं इसका लोगो उठा लूँ कोरियर का, मैं इनको पॉइंट, इनको चांस दे रहा हूँ कोरियर को, नहीं तो फिर इनको कोई यूज़ नहीं करेगा, इनकी बड़ी रेपो ख़राब हो जाएगी। एक चांस दे रहा हूँ, एक कोरियर वाले तो समझ ही जाएंगे। यहाँ तो जो राइडर ने ज्वेलरी बॉक्स निकाल ली अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, और अंदर ये अपनी नानों की अनक डाल दी है, और उसने टेप लगा के वापस भेज दिया, ठीक है, टेप लगी हुई है। या ये हो, या फिर क्लाइंट को उसने दिया, ठीक है, चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट, या क्लाइंट को दिया, क्लाइंट ने पहले रिसीव कर लिया, फिर क्लाइंट ने उसको टेप लगा के वापस कर दिया, ज्वेलरी बॉक्स निकाल के ये डाल के यार मुझे पसंद नहीं आया वापस ले लो। अब देखें इस तरह की वाम, या तो राइडर ख़राब है या तो वाम, पर है तो हमारी वाम, किया तो हमारा, चलो कोरियर कंपनी लेता, पर किया तो हमारी आवाम ने यार, कब तक ऐसा चलेगा, खुद आप लोग नहीं सुधरेंगे तो कैसे हमारा मुल्क सुधरेगा। बड़ी
बड़ी अफसोस की बात है यार ये तो। ये हुआ है मेरे साथ। अब ये जो मर्जी हो, गलती ब्राइडर की है और गलती उसकी है, पर एक कोरियर कंपनी को जिम्मेदार तो होना चाहिए। ठीक है, अब एक कोरियर कंपनी को आप बोलेंगे ना, अच्छा सारे पार्सल, कुछ कुछ पार्सल में ऐसा होता है, पर नहीं होना चाहिए यार, यूएस यूके में होता है, तो कुछ आप करें ना, मिनिमाइज़ करें, मिनिमाइज़ ही नहीं करते। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर टू है कि इनकी कस्टमर सपोर्ट बड़ी फार है कोरियर, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे इनके एम्प्लॉयज़ की गलती नहीं है, इनके ओनर्स की गलती है। एक एम्प्लॉई को उन्होंने 100 बंदा दिया है, वो कैसे रोज़ सबको बात करे? उसको चाहिए बंदे लोअर में, ज़्यादा बंदे हायर करें ताकि वो सबसे बातें करें। 15-20 शॉपिफाई सेलर्स हैं या डिलीवरी कॉरियर यूज़ कर रहे हैं, शॉपिफाई होते हैं मोस्टली ये 15-20 जो सेलर्स हैं, उनको एक एक नंबर एक बंदा डेडिकेट करें। ठीक है, आपको इतना रेवेन्यू दे रहे हैं हम लोग, आपको लाखों की सेल दे रहे हैं, मैं आपको 5-5, 10-10 लाख के ऑर्डर डेली के दे रहा हूँ, और आप लोग ऐसी मेरे साथ सर्विसेज दे रहे हैं मुझे। ठीक है, कि उसके बाद आपको मैं बोलूँ तो आप लोग कहते हैं पोर्टल पोर्टल पर जाके आप डेटा फिल करें। पोर्टल पर मैं डाटा फिल करता हूँ मेरी टीम, तो फिर बाद में आप लोग पता नहीं हफ्ते 2 हफ्ते बस प्रॉब्लम इशू में चल रहा है, स्टैक में आपको सॉल्व हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ऐसे गोलियाँ कराते रहते। यार हम लोग भी कारोबारी बंदे हैं ना, सब्र का इम्तिहान लिया करें ना, हमें मजबूर किया करें, मजबूर किया तो आज वीडियो सामने आ गई है ना। ये गुस्सा तो हूँ मैं यार, कि मुझे तर्स आता है यार, गुस्सा आता है कि यार अपने स्टूडेंट्स भी मेरे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ, पर किसी के साथ हुआ होगा। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं फर्दर अपने मैं दुख बांटे, तो बस एक ही प्रॉब्लम है लोकल शॉपिफाई में, कि आपको कोरियर कंपनी ज़रा सा तंग करती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉफिट आपको ज़्यादा ही है। ठीक है, अगर ये लोग सॉल्व हो जाए तो प्रॉफिट भाई क्या प्रॉफिट हो जाए, अगर ये लोग इश्यूज़ ना करें ना, वो आप लोग क्या बताऊँ, आप लोग तो, मैं अभी ऑडी पे घूम रहा, मैं अभी रेंज रोवर होती मेरे पास, चलें इंशाल्लाह आ जाएगी 1-2 साल में इंशाल्लाह। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग लोकल शॉपिफाई ना करें, फ़ायदा बहुत है लोकल शॉपिफाई में। ठीक है, बस ये एक प्रॉब्लम है, इसको सह लें। ठीक है, थोड़ा सा सुन लें लो, थोड़ी सी टेंशन लेनी पड़ेगी, पर प्रॉफिट है तो। बाकी हमारे पास फिर भी इन सब कोरियर में से एक कोरियर है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो हम लोग यूज़ करें, जो हमें बहुत अच्छा डिलीवरी रेट दे रहा है। ठीक है, वो कोरियर वो अपने स्टूडेंट्स को हम दे रहे हैं। ठीक है, हम अपनी अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर मैं अपनी कोरियर कंपनी लॉन्च करने वाला हूँ, जो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे कोर्स में, उनको मैं दूंगा, ताकि वो मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हो जाए। कि मुझे पता हो यार कि अब मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता होगा गलत चीज़ें नहीं बेच रहे। ठीक है, जो चीज़ है वही बेच रहे हैं, स्कैमर्स नहीं है, सही चीज़ बेच रहे हैं, तो मैं उनको अपनी कोरियर कंपनी के अम्ब्रेला में लाऊंगा। और हमारे राइडर जो होगा, हमारा राइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसने ऑर्डर आया उस घर से उसने हिलना नहीं है, कि यार आपने ऑर्डर दिया रिसीव करो, आपने ऑर्डर दिया ना, आपकी डिटेल हमारे पास एड्रेस और कैसे आ गया। डिलीवरी चार्ज उसे लेने हैं 200-250 रुपया, उससे पकड़ना यार कि तेरी वजह से हम आए हैं, हमारा पैकेट आया हुआ है, हमारा लेबल आया हुआ है, हमारा प्रोडक्ट आया है, मेरा पेट्रोल लगा है, मेरी मेहनत लगी, मेरा ऐड लगा है, तूने फिर भी ऑर्डर किया है, तो गिव द मनी। तो ये हमारी अप्रोच है। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैम, बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे anasali.com पे जाएं, या फिर कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू गाइज़।